तो गाइज अब ओके है, मैंने फ्लश बंद कर दिया। तो बहुत टाइम बाद यार ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया था यार। मैंने सोचा यार कुछ डिफरेंट, तो चलो आज बना लेता हूँ बहुत टाइम बाद। एंड अभी मेरा दोस्त आ रहा है, तो जाएंगे कहीं घूमने के लिए। तो यार जब से घर गया उससे पहले से कहीं घूमने ही नहीं गया मैं, 5-6 महीने हो गए मेरे को। तो मैंने सोचा यार आज घूमने जाता हूँ कहीं। अभी मैं 26 सेक्टर हूँ चंडीगढ़। तो ये जो कुतुब मीनार की तरह खड़ा है यार, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट छल, इस पर तो छल लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्द गर्मी होती है उसका टेम्परेचर, इससे पता चलता है कि कितना शहर में कितना ठंडा है। अभी सर्दियों के टाइम में तो ठंडा ही देखेगा, ये कितनी धुंध पड़ी है। ओ तेरी, फिल्टर लगाना भूल गया। अभी कैसे बंदा यार, अपने में खुश खुश तो इसलिए हूँ यार कि कम से कम भाई साहब 5 महीने बाद मैं घूमने के लिए आया। अभी मेरा दोस्त, मेरा जो रूममेट ही समझ लो दोस्त, अभी घर गया। तो 2-4 दोस्त यार हम उसे छोड़ने के लिए गए 17 सेक्टर। तो 17 सेक्टर से अपना भाई जाएगा अल्मोड़ा होते हुए बागेश्वर, देवभूमि उत्तराखंड। मैं भी उत्तराखंड से हूँ जिसे पता नहीं है, और तो मेरे दोस्त यारों को तो पता ही है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। एंड यार बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है घूमने के लिए। एलेंटे मॉल निकल जाएंगे, सुखना लेक या बियर्ड पार्क, कहीं भी निकल जाएंगे। यहाँ तो चंडीगढ़ में तो यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ बिल्कुल नेचुरल है, एंड बिल्कुल पेड़ पौधे बहुत हैं यहाँ, बहुत मन लगता है यहाँ, बहुत दिल लगता है। काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। तो एंड बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो यार अच्छा भी लग रहा है। चलो बने रहे ब्लॉग में, तब तक करता हूँ थोड़ा दोस्त का इंतज़ार। तो आप सोचते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, वहीं जाएंगे रोज़ गार्डन, रोज़ गार्डन। तेरे दिन तेरा, अभी कैब करा रहा है बंदा, तो निकलते हैं रोज़ गार्डन, वहीं करेंगे बातें। तक बने रहे ब्लॉग में, एक बार बोले हाय गाइस, बोलो पाजी। दोस्त शर्माता है यार ब्लॉगिंग से। ओ भाई साहब कितनी नेचुरल जगह है ना, आज बहुत टाइम बाद यार, मुझे एक साल हो गया पाजी इधर पर, मैंने कभी चंडीगढ़ को ध्यान से देखा नहीं। देखा है मोटा मोटा, एक दो बार तो हम दोनों घूमने गए है ना, एक दो बार लगभग दोस्तों के साथ भी आया। एक बार हम स्विमिंग करने गए, हमने ध्यान से देखा, अब ध्यान से देखो ना, चिल्ड माइंड, तो बहुत मज़ेदार है भाई चंडीगढ़। देखो कितना नेचुरल है, आप बिल्कुल देहरादून लग रहा है। पूछे चल पहाड़ा घूम दी गाँव दे नजारा देखना। हम सबसे पहले तो आए इधर सुखना लेक, तो यार व्यू देखो तुम एक बार। ओह बहुत, यानी कि कब आया था मैं, अप्रैल में मार्च में कब आए थे हम, अप्रैल में। वाव गोवा से कम नहीं है यार इधर। सो अमेजिंग व्यू, एक दो रील बनाने के बाद फील कर रहा हूँ यार कितना मस्त व्यू है। दिल के साथ साथ तबीयत को भी खुश करने वाला नज़ारा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत माहौल है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं दूर दूर, मैं हिमाचल में आ गया शायद। सो यार इट्स अमेजिंग व्यू। एक मेरा दोस्त है रील बनाने के लिए गाने ढूंढ रहा है कि कौन से चूज करूं।
मैं तो भाई यार हील करने दो यार आप बस। देखो भाई साहब, लड़का लड़की कहाँ से गेड़ियाँ दे के आ रहे हैं। तू गल्ला कर दी गेड़ियाँ बिच, आज यहाँ ज़्यादा भीड़ है नहीं जैसे उस दिन थी पाजी। नहीं यार अब तो हो तो गया टाइम, कितना 3 तो बज गए यार। काफ़ी चल गए हम, अभी बहुत जाना है क्योंकि यार 4-5 महीने की भूख है। भूख का मतलब कि घूमे नहीं है बहुत टाइम से। देख आप कह रहे थे कि ये पानी कहाँ से आता है, ये पानी यहाँ से होके आता है। देखो पाजी है यानी यहाँ भी मुझे लगता है आप भी फर्स्ट टाइम आए। ये पानी यहाँ से होके आगे से कहीं से आके उधर झील की तरफ जाता है जहाँ से हमने वीडियो बनाई थी, अभी आपको बताया था। काफ़ी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आओ मेरे साथ वीडियो में दिखो बहन। इट्स अमेजिंग व्यू, कितना शांत माहौल है यार, जबकि इतना बड़ा शहर है फिर भी यहाँ शांत माहौल है। हम यहाँ आराम से घूम सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं, एंड कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। हाँ पाजी आओ, ये बंदा पीछे रह गया। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी दुबई या स्विट्जरलैंड में भी चल रहे तो भी सुधरेंगे नहीं। ये देखो यहाँ पे प्लास्टिक फेंक रखा, जबकि ये मना फेंकना मना है। और एक भाई साहब यहाँ पे सो रखे हैं बड़े मज़े से बिमल खा के। ये देखो देखो छोटी छोटी गलतियाँ। चलो भाई साहब क्या बोले किसी को, आ जाओ पाजी वीडियो बना रहा व्लॉग। व्लॉग ना बनाऊंगी, इस टाइम तुम फर्स्ट टाइम आए इधर, इधर मैं भी। काफ़ी अच्छा है यार ये तो बिल्कुल यार, अपने सच बताऊँ अपने उत्तराखंड वाला फील हो रहा कि पैदल चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इधर घूमने की जगह है, काफ़ी अच्छा है, बहुत टाइम बाद पैदल चल रहे हैं इतना लंबा सफ़र तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो उधर सामने जाना है हमने, मेरा एक दोस्त है शर्माता रहता है। बनाते रहेंगे यार, वो भाई साहब पूरा जंगल ही जंगल है इधर तो। मैंने सोचा नहीं चंडीगढ़ में भी इतनी मस्त जगह होगी। सुखना लेक तो अभी किसी ने उस पार ही देखा, जिसने इस तरफ आता होगा तो इतना ही यार, इट्स अमेजिंग। इतना दूर चल के आ गए हम,
गाइस घूमते घूमते भी काफ़ी टाइम हो गया, अब चलते हैं रूम की तरफ। बाय बाय चंडीगढ़, गोइंग टू मोहाली पंजाब। तो यहाँ पे पटाखे भी खड़े हैं। तू मुंजरें दी आया मंडनी मुंज, निकलते हैं। कितनी देर में आएगा? अब मैं कैब करा रहा अपनी। आज का ब्लॉग जितना बनाना था बना दिया, वैसे तुम्हें पता ही नहीं मैं मेहनती कितना हूँ, ज़्यादा लंबे ब्लॉग नहीं बनाता। तो सो गाइज यार, बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाने का मन किया, उस तरफ बन नहीं सका क्योंकि हमने रील्स बनाने में, फ़ोटो खिंचवाने में और घूमने में काफ़ी टाइम बिताया। तो अब चलते हैं। अभी भी मेरा फ़ोन इतना ही व्यू कवर कर पा रहा है, अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। इतना स्मार्ट फ़ोन नहीं है मेरा कि जो बिल्कुल ही क्लियर भी दिखाए। चलो जितना भी है बहुत है। काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे, बट उस दिन बराबर में ही थी। कब आए थे हम? अप्रैल मार्च में आए थे हम, उस दिन बराबर भीड़ नहीं है। तो निकलते हैं अब भाई, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब मन करेगा ब्लॉगिंग करने का।